हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में साल भर से बंद पड़े तामीर का काम अब जल्द ही शुरू होगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सदर व प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में नई कमेटी को सौंपी गई जिम्मेदारी। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में तामीर कार्य 2017 से कराया जा रहा है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं यहां अब तक दो कमेटियों ने दरगाह तामीर का आधा अधूरा कार्य कराकर छोड़ दिया, जो अब साल भर से वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसके बाद सामाजिक माहौल में लगातार चर्चा का विषय बनता देख छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नई एडाक कमेटी बनाकर रुके हुए दरगाह तामीर कार्य को कराने नई बॉडी की नियुक्ति की गई है। इसी कड़ी में गुरुवार की शाम दुर्ग के बाबा अब्दुल रहमान शाह के आस्थाने के बाहर परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रेरणा सिंह की मौजूदगी में नई कमेटी के अध्यक्ष रज्जब अली को प्रभार सौंपा गया। कुल मिला के इस दरगाह में तामीर के लिए तीसरी कमेटी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि सर्वधर्म की आस्था का केंद्र हजरत सैयद बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर बड़ी संख्या में दुर्ग ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ अंचल से लोग अपनी मन्नतों मुरादों की झोली फैलाकर बाबा के आस्थाने में पहुंच अपनी हाजिरी देकर अपनी मुराद पाते हैं। वहीं आज सबके सामने दरगाह से जुड़ी सभी चीजों जैसे गुंबद पर लगने वाले सोने का कलश, चांदी के सामान व तामीर पेटी में इकट्ठा हुई रकम को एकत्र कर नए अध्यक्ष की टीम को सौंपा गया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष फिरोज खान व प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रेरणा सिंह ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, उम्मीद भरोसे पे तो सभी जीते, बाबा अल्लाह की इनायत हुई और बाबा साहब की दुआ हुई तो जरूर तामीर पूरी होगी इंशाल्लाह। हमने सोच समझ के अभी की कमेटी का गठन किया है वक्फ बोर्ड ने, ताकि ऐसे लोगों को जोड़ा गया। पहले के भी लोग अच्छे थे, लेकिन कई बार कई लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ रहती है, कोई बीमार है, कोई ये नहीं कर सक रहा है, कोई अपने कारोबार में फंसा है। लेकिन अभी जो कमेटी बनी है, इसको बहुत ठोक बजा के कमेटी बनाई गई है, ताकि तामीर का काम पूरा भी हो सके और सालाना जो जुल उर्स होता है वो भी उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाया जाए। इसके लिए ये कमेटी का गठन किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बाबा साहब से भी इल्तिजा करता हूँ कि इस कमेटी को ताकत दे, हिम्मत दे। रमज़ान का महीना आ रहा है, मुबारक महीने में ये कमेटी बनी है, तो मेरा ऐसा दिल से ये विश्वास है, यकीन है कि अल्लाह ताला इस कमेटी को अपनी मदद फरमाएगा, ताकत देगा कि ताकि ये शिद्दत के साथ काम कर सके। वक्फ बोर्ड से जो हेड ऑफ कमेटी डिसाइड हुई है, उसको जो अभी अभी जो वर्तमान में थे उनके द्वारा उनको चार्ज दिलाया गया। नहीं, जितनी भी चीज़ें मस्जिद की थी, जैसे दान पेटी से जो पैसे प्राप्त हुए, जो सोने का कलश और चीज़ें थी सारी, और इसके अलावा जो बैंक में पैसे वगैरह थे, वो सारा चीज़ें इन्होंने चार्ज पर इनको दिया है। देखना लाजमी होगा कि दरगाह में तामीर कार्य को पूर्ण करने में यह तीसरी कमेटी अपना कितना योगदान दे पाती है और कब तक यह कार्य पूर्ण करा पाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।